ज़्यादातर लोग पानी को आम समझते हैं कि जब चाहें जैसे चाहें और जितनी मात्रा में चाहें पी सकते हैं, लेकिन हमारा ये सोचना बिल्कुल गलत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पानी कब, कैसे और कितनी मात्रा में पीना चाहिए और पानी का हमारे शरीर में फ़ायदे के साथ साथ कौन कौन से नुकसान हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हमारे शरीर में 60-70% पानी ही है। पानी हमारे शरीर में सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने के लिए और हमारे शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता है। पानी पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से वजन कम करने तक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए पानी की सही मात्रा, पानी हमें कब और पानी से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, अगर इसकी सही जानकारी हमें ना हो तो हम चाहे कुछ भी हेल्थी खा लें उसका हमारे शरीर में कोई फ़ायदा नहीं होता, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम या हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियाँ होने का खतरा रहता है, जैसे कि कब्ज, गैस, लीवर का कमज़ोर होना, पूरा दिन सुस्ती आना, शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, गुर्दे की पथरी, शरीर में दांत की प्रॉब्लम, चेहरे का ज़्यादा रूखा या ज़्यादा ऑयली होना, घुटनों का दर्द, बालों का टूटना, मोटापा ज़्यादा होना, वजन का कम या ज़्यादा होना या रात भर नींद न आना जैसी कई प्रॉब्लम पानी को सही मात्रा में या सही तरीके से नहीं पीने के कारण हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वो 4 रीज़न कि आप पानी किस तरह से गलत पी रहे हैं और उसका सही तरीका क्या है पीने का। इस वीडियो को पूरा देखकर आपको पता चलेगा कि आपको पानी कब, कितना और कैसे पीना चाहिए। जब हम कोई भी ठंडी चीज़ खाते हैं तो हमारा शरीर पहले उसको गर्म करता है फिर काम में लाता है। ऐसा ही कुछ पानी के साथ भी होता है। जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा शरीर पहले उस पानी को गर्म करता है फिर उसको इस्तेमाल में लाता है और इस प्रोसेस में काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और काफ़ी समय भी लगता है। ठंडा पानी पीने से हमारा गला तो खराब होता ही है, साथ में हमारा डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है। ठंडा पानी पीने से हमारे द्वारा खाए हुए खाने को सख्त बना देता है, जिसके कारण से पाचन क्रिया काफ़ी स्लो हो जाती है और हमें कब्ज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कोशिश करें जब भी आप पानी पिएं या तो नॉर्मल पानी पिएं या फिर उस पानी को थोड़ा गुनगुना करके पिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दिन भर की भाग दौड़ में लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि पानी की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं हैं। लोग मुश्किल से एक दिन में 4 से 5 गिलास ही पानी पी पाते हैं। शरीर में पानी की कमी होते ही हमारे पेशाब का रंग पीला पड़ने लगता है, पाचन क्रिया काफ़ी स्लो हो जाती है, हमारे होंठ सूखने लगते हैं और हमारे चेहरे और शरीर की स्किन धीरे धीरे रूखी, बेजान और ढीली पड़ने लगती है। अगर सही समय पर पानी को सही तरीके से ना पिया जाए तो ये सभी लक्षण भविष्य में बहुत बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। इसीलिए हमें पानी को सही मात्रा में और सही समय पर पीना चाहिए। जब भी हमें प्यास लगे उस समय तो हमें पानी पी ही लेना चाहिए। आजकल लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि बैठना तो बहुत दूर की बात है, लोगों ने भागते हुए भी पानी पीना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमें पानी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। खड़े होकर पानी पीने से हमारी किडनी अच्छी तरह से वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारे शरीर में कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। खड़े होकर पानी पीने से पानी के साथ हमारे शरीर में गैस चली जाती है, जिसके कारण हमें जोड़ों का दर्द या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें जितनी कोशिश हो सके बैठकर आराम से पानी पीना चाहिए ताकि हमें उस पानी का पूरा फ़ायदा हमारे शरीर को मिल सके। पानी पीने का सही तरीका हमें छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। आपने देखा होगा कि कैसे छोटे बच्चे अपने मुंह में पानी भर लेते हैं, मुंह में ही पानी को हिलाते रहते हैं और धीरे धीरे उस पानी को पी लेते हैं। इसी तरह हमें आराम से बैठकर मुंह में पानी भर के मुंह में पानी को हिलाएं और धीरे धीरे उस पानी को पी लें।
यही पानी पीने का सही तरीका है। यह जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें पानी कब और कितना पीना चाहिए। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमें पानी कब कब नहीं पीना चाहिए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के साथ और खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ खाना खाते हैं उसके साथ अगर हम पानी पी लेते हैं तो हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और जो हमने खाना खाया है वो ठीक तरह से नहीं पच पाता और उसका हमारे शरीर में कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। अगर आपको प्यास लगती ही है तो सिर्फ आप एक या दो घूंट पानी पिए या फिर सिर्फ इतना पानी पिए जिससे आपका जो गला है वो गीला हो जाए। कभी भी गिलास भर के पानी कभी ना पिए। कभी भी गर्म चीज़ खाने के बाद एकदम पानी बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि अगर आप चाय, कॉफ़ी या गर्म सूप के बाद एकदम पानी पी लेते हैं तो इससे हमारे दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। कभी भी एक्सरसाइज करते हुए एक गिलास भरकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा शरीर गर्म होता है और अगर हम उसके साथ एक गिलास पानी पी लेते हैं तो उससे हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अगर आपको एक्सरसाइज करते हुए प्यास लगती है तो आप एक या दो घूंट पानी पीजिए, फिर अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिए और फिर अगर आपको प्यास लगती है फिर से आप एक या दो घूंट पानी पी सकते हैं। अगर आपको गिलास भरकर पानी पीना ही है तो एक्सरसाइज ख़त्म करने के आधे घंटे बाद आप पी सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें पानी कब कब पीना चाहिए। हमें सुबह उठते ही खाली पेट एक से दो गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि रात भर हमारे पेट में काफ़ी जहरीले पदार्थ बनते हैं और उनको सुबह साफ करना बहुत ज़रूरी होता है और पानी से अच्छा और कुछ नहीं है। इसलिए सुबह आपको एक से दो गिलास डेली पानी पीना चाहिए जिससे हमारे पेट की जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। खाना खाने से एक घंटा पहले और खाना खाने के एक घंटे के बाद हमें एक एक गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए और दिन भर हम जब भी पानी पिए दो बार पानी पीने के बीच में भी एक घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। रात को सोने से पहले हमें पानी कम पीना चाहिए, उसकी बजाय हम एक गिलास दूध पी सकते हैं, क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है जो कि रात भर हमारे शरीर में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। दूध पीने से हमारा जो दिमाग है वो शांत रहता है और हमें रात को नींद अच्छी आती है। इस तरह आप एक दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पी सकते हैं और अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिए। पानी पीने का सही समय, पानी हमें कब और कितना पीना चाहिए, इसकी हमें सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी को सही मात्रा में पीने से हमारे शरीर में काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक धन्यवाद।